अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे हम रिज़्क में बरकत और हर मुसीबत से हिफाजत के वजीफा। ये वजीफा किस तरह पढ़ना है, इसकी शराइत क्या है, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो की मत कीजिएगा इंशाअल्लाह। आपने इस वजाइफ पर अमल किया तो आपकी हर मुसीबत दूर होगी और रिज्क में खैर और बरकत होगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये वजाइफ इसम आज़म है, अल्लाह ताला का सिफती नाम है। और इस नाम को किस तरह पढ़ना है ये आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। इस नाम को किस तरह पढ़ना है, बाद नमाज फज्र खुले आसमान के नीचे, जहाँ से मतलब आसमान नज़र आता हो, और पैरों में कुछ ना पहने, ना सर पर कुछ पहने, और ये नाम अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े, और ये नाम 41 बार पढ़ना है। ये नाम इस्म आज़म क्या है, नाम ये है, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। नाज़रीन, ये आपको 41 बार पढ़ना है। पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और बाद में 41 बार इसमें आज़म या मुसब्बिल असबाब पढ़ना है, फिर आखिर में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और हाथों को इस तरह उठाना है कि हाथों का हथेली का किबला आसमान हो, और अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करें कि अल्लाह तू ही मेरा कारसाज है, तेरे सिवा मेरा कोई मददगार नहीं। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत होगी और किसी भी तरह की परेशानी या मुसीबत होगी तो दूर होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।